हेलो दोस्तों। तो पता है मेरे को, मैं काफी लेट वीडियो बना रहा हूँ, काफी दिनों से आप वेट कर रहे हो मेरी वीडियो का। तो आज साल का आखिरी दिन है, आप सभी का एक ही सवाल है। आज 12,000 लोग हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं, लेकिन सभी का एक ही सवाल है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ मीशो पे या मैंने बंद कर दिया है। तो भाई सबके जवाब दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा मीशो पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सबको क्लियर कर दूंगा इस बात में। तो भाई सब मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने काम बंद कर दिया, आपका अभी भी चालू है। तो भाई सच बताऊं, मैंने काम मीशो पे कर दिया है बंद। बंद करने के कई रीजन हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। भाई मैं करता हूं जॉब और मेरी वाइफ थी प्रेग्नेंट, तो वही संभालती थी सारा मीशो पे जो भी काम है। तो वो उस चक्कर में उसको हैंडल नहीं कर पाई और मैं अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता था मीशो के चक्कर में, क्योंकि मीशो पे मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़ के मीशो पे ही लग जाऊं। तो भाई मीशो के कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। तो काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपको नुकसान हो गया होगा, पता है कर्जे में डूब गए होगे तभी इसको मीशो को बंद कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं है, कई कारण रहे हैं कि मैंने उसको बंद किया, तो सारे बताऊंगा। तो भाई सबसे पहला कारण तो ये था कि भाई वाइफ प्रेग्नेंट थी और वही संभालती थी उसको, पूरे मीशो के अकाउंट को। तो वही सेल करती थी, वही लिस्टिंग करती थी, वही फोटोज वगैरह कभी मैं खींच देता था, लेकिन वो उसको हैंडल करती थी। तो मैं जॉब करता था, मैं इसको कर नहीं पाया। तो भाई अब बात करते हैं कि फायदे और नुकसान की, कि मीशो पे नुकसान हो गया होगा। तो भाई मीशो का सच बताऊं, ना तो मेरे को फायदा हुआ ना मेरे को नुकसान हुआ। हाँ मेरा बस टाइम वेस्ट हुआ उसमें, क्योंकि मीशो पे रिटर्न ज्यादा है और अगर आप 500 से ऊपर का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको उसमें नुकसान होएगा। क्यों? क्योंकि मीशो के जो डिलीवरी पार्टनर है वो कोरियर वाले हैं, और कोरियर वालों पे अगर आप सामान भेजते हो और उस पे रेट लिखा हुआ है 2,000 का, 2,500 का या 1,000 का भी सामान अगर उसमें है, तो आपका 100% चोरी होएगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उस पे भाई प्राइस लिखा होता है और जब वो डिलीवरी वाला लेके जाता है तो उस पे दिखता है इसमें महंगा आइटम है, तो वो उसको वहीं पे गायब कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है मीशो की, कि उसने मतलब कोरियर वालों को डिलीवरी पार्टनर बना रखा है, जबकि अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे ई कार्ट जो है, ई कार्ट वाले डिलीवरी करते हैं, तो उनकी डिलीवरी में बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटीज होती हैं कि उसमें वो इतना चोरी नहीं कर पाते, लेकिन कोरियर में 100% आपका प्रोडक्ट जो है चोरी होता है। 500 से ऊपर का प्रोडक्ट मीशो पे सेल करने लायक नहीं है। मीशो के कस्टमर ही ऐसे हैं कि वो सस्ता प्रोडक्ट देखने के लिए ही मीशो पे आते हैं। मीशो का नाम है, मतलब मीशो की ब्रांडिंग ही इस तरीके से हुई है कि उस पे सिर्फ आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। तो भाई 500 से ऊपर के प्रोडक्ट बेचने के लायक मीशो नहीं है, और अगर 500 से ऊपर के आप प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, मतलब छोटा छोटा मार्जिन, तो उसमें आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे। बस आपका टाइम लगता रहेगा, काम चलता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एक रीजन था, तो इस वजह से मैं इसको स्विच नहीं कर पाया। और अभी दोबारा चालू करने की बात, तो भाई दोबारा चालू अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है ना मेरी वाइफ के पास कि वो उसको हैंडल कर पाए। तो अभी सही बताऊं भाई, मैं तैयारी कर रहा हूँ अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, इन तीनों में से किसी दो पे चालू करूंगा अभी, और मैं अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करूंगा। पहले हम ये सूट वगैरह का, लेडीज सूट वगैरह का, ये सब भेजते थे उस पे मीशो पे, तो अभी मैं स्विच करूंगा किसी और प्रोडक्ट पे और उसको अपनी ब्रांडिंग में करके बेचना चाहता हूं मैं। तो अभी उसकी तैयारी चल रही है, तो उसके बारे में जल्दी आपको जानकारी दूंगा इसी चैनल पर। मेरे को पता है कि मैं लेट हो गया काफ़ी वीडियो बनाने में, आज 2023 का लास्ट दिन है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरे को पता है काफ़ी लेट हो गया हूं और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, आप सब वेट कर रहे थे। तो भाई अब हो सके थोड़ा जल्दी जल्दी अपडेट किया करूंगा, जो भी मैं प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ उस पर मैं लगा हुआ हूँ, आपको सब अपडेट मैं देता रहूंगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आप भी 2024 के स्टार्टिंग में अपना मीशो पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप मीशो पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 40% होना चाहिए। जैसे अगर आप 200 की चीज बेच रहे हो तो कम से कम भी उसमें 100 रुपये आपका मार्जिन होना चाहिए। अगर इससे कम का मार्जिन आपने रखा ना तो आपका नुकसान हो सकता है। और 500 से ऊपर की चीज बेचने के लिए मीशो नहीं है, उसके लिए आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो। तो भाई यही था आज की वीडियो में,
अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको मेरे आगे के अपडेट मिलते रहें कि मैं अब क्या इस पे बेचने वाला हूं, और पूरा अपडेट आपको दूंगा। लेकिन अब मैं मीशो पे काम करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे को उस पे मार्जिन नहीं लगा, प्रॉफिट नहीं लगा। सिर्फ काम चलता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट और जो टाइम है, टाइम के हिसाब से जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो भाई 2024 की सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।